Subscribe to my channel and press the bell icon for latest update. ਤਾਰਿਆ ਬਿੱਲ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਿਆ ਏ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਏ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵਾਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ मुझे तो अजीब नमूने दोस्त मिले हैं, कॉल करके कहते हैं मैसेज चेक करो। मिस्त्री नाल दिहाड़ी करन बड़ी औखी है, नहीं मेरे तू आंदी मोड़ एक सौखा काम नहीं हो कर ले केड़ा सुरखी पाउडर ला के शामी होते जाओ के खलो रमी रिश्तेदारां नूं तनखाह घट दसीए ते इज्जत नहीं करदे ते जे ज्यादा दसीए ते धारे मंगन लग पेंदे ने हुण बंदा इज्जत बचावे के तनखाह यार असीं केड़े मुल्क च रह रहे हां हर रोज सुबह उठी दा खाना खाई दा यूरोप दे वीजे दे बारे सोच के दलील होके सो जाईदा देखो ना यार कितनी क्यूट हूं मैं सब मरता है मुझ पे तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए गलतफहमी दूर जिस घर च बाप दी हुकूमत होंदी है ना ओ अपनी औलाद नू महीने च एक दो वारी कुटदे ने ते जिथे मां दी हुकूमत होवे ओ हर रोज औलाद दी तबीयत फ्रेश करदी है फिर कहंदे ने मर्द जालम ने ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਰ ਪੱਕਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਲ ਪੱਕਦੀ ਏ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾਲ ਤੇ ਕੱਦੂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੱਦੂ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੱਦੂ ਤੇ ਦਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਪਕਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗੋ ਤੇ ਕੱਦੂ ਆਪ ਦੌੜ ਕੇ ਦਾਲ ਚ ਜਾਵਣ ਮਹੱਲੇ ਚ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਉਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂ ਬਹਿਰਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਜੇ ਲਾਓ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਪੀਤਾ ਸੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦੀ ਮੋੜ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਲਾ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨੀਲਮ ਸੁਣਾ ਹੈ ਤੁਮ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋ ਹਾਂ ये बताओ इतने उतने कितने होते हैं नो 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 चौधरी जो मैं स्कूल पहली पोजीशन ली ना वाह मैंने उदो पता लग गया मुल्क तरक्की नहीं कर सकता लड़के बहुत चालू होते हैं कितने लड़के यहाँ पर बोल सकते हैं कि उनकी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है ओ, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते मैं बोल सकता हूँ प्राउड से कि मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है और हाँ मैं उसको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ अपनी बीवी से भी ज्यादा अब पता नहीं मुंडे किवें कुड़ियां नाल दोस्ती कर लेंदे ने मैं जिदे नाल भी गल करा मेरा फड्डा पै जांदा यार मैं मोटा हो रहा हूँ तो वॉक किया करो ना ओ नहीं यार मुझे डर लगता है कहीं कोई गलत कदम ही ना उठा लूं पठान परेशान क्यों बैठे हो मड़ा मैं तो फंस गया हूँ शादी करके क्यों क्या हुआ मड़ा बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता और मेकअप के बगैर बीवी बर्दाश्त नहीं होती बेगम यार भूख बड़ी लगी है रोटी पका दे तुसी की मेरी जान उसे आपा पाया है कभी रोटी पका दे कभी चाह बना कभी बर्तन तो मेरा ना ताड़े ना गुजारा नहीं गा मैं घर छड़ के चली हां ठीक है जे तू मेरी रोटी नहीं ना पका सकदी ते मन्नू तेरी लोड़ भी कौन नहीं जान छोड़ो खुदा दा वास्ता ही एक ते ना मैं ताड़ी ऐ वाली आदत बड़ी बुरी लगती है जदों भी मैं घर छड़ के जान लगनी हां नाल ही जान छोड़ो खुदा दा वास्ता ही हुन दसो फिर रोटी कि पकानी है के दो दो जिन्ना तुसी मेरे नाल लड़दे हो ना मैं मर गई ना ते तानू लग पता जाना है की आट है मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी तेनू पता है मेरे दिल ते की बीतदी है अच्छा सॉरी ना कहती भी रहनी है मरदी भी नहीं यार शादी करने में और नया मोबाइल लेने में सिर्फ एक ही चीज का अफसोस होता है वो क्या
अगर थोड़ा सा इंतजार और कर लेते तो शायद अच्छा मॉडल मिल जाता। सुबह 5:30 उठ के 2 सेकंड अखां बंद करो ना, 8 बज जांदे ने। राती सुता नहीं जांदा, सुबह उठिया नहीं जांदा। हम औरतें नहीं होती तो तुम मर्दों के कपड़ों पे इस्त्री करता कौन, सीता कौन, बटन टाकता कौन, धोता कौन? तुम औरतें नहीं होती तो हम लड़के कपड़े पहनते ही क्यों? बेबी। हाँ। तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हुआ? गलती से। आज मैं फिर अस्पताल गया। डॉक्टर साहब पूछे में के मसले। मैं क्या डॉक्टर साहब सिगरेट पीने मेरे नक्के चो धुआं नहीं निकलता। लड़की ने डांस किया पूरी टिकटॉक ते वायरल हो गई है। सानू जिंदगी हर रोज नचांदी है, किसी ने दस भी नहीं सकते। जान जी। हाँ जी। ए बुढ़ापे दियां की निशानियां होंदियां ने? सिर्फ अपनी बीवी नाल इश्क हो जाना, ए भी बुढ़ापे की निशानी। कुछ लोग बिना वजह अच्छे लगते हैं, जैसे के आप सबको मैं। कोई ते मेरा दिल भी ले लो, मेरे को केड़ा चैनल है। तमाम सोशल मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है कि नमाज पढ़ लिया करें। रात को मैंने ख्वाब देखा है कि मैं जन्नत में अकेला फिर रहा हूँ। सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल वो मुझे नहीं चाहिए। कोई गल सुन। हाँ, अब जेड़े लोग किसे पासे जोगे नहीं रहिंदे, ए फिर किथे रहिंदे ने? हाँ जी। ये दो जुड़वा पहने चो तेरी एक ना शादी हो जाए तो तू किवें पहचानेगा तेरी बुड्ढी केड़ी है? मैं पागल हूँ, मैं पहचाना। 6 लाख रुपए का जनाब तुम्हारा बिल है बिजली का। कितना? 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया आसमानी बिजली भी साढ़े खाते ओए। हाँ। नंबर ही दे दे अपना। मेरे को मोबाइल ही नहीं है, ते अबे का नंबर दे दिया। क्या बात है, आज फिर मूड खराब लग रहा है। तुम ना जरा तमीज के साथ रहा करो, वरना ये झाड़ू सिर्फ जाले उतारने के लिए नहीं है। हाँ मुझे पता है, तुम मेकअप भी कर लेती हो इससे। जब भी अब्बू कहते हैं कि बेटा अपना मोबाइल देना, तो यकीन करो दोस्तों कांपे टांग जाती हैं। यार 3 महीने हो गए मुझे अकाउंट खुलवाए हुए, मेरे ATM क्यों नहीं आया अभी तक? मुझे क्या पूछ रहे हो, जाके बैंक से पूछो। अच्छा बैंक से पूछना पड़ता है, मैंने तो अकाउंट टिकटॉक पे खोला था। एक बात है वैसे, इस दुनिया में कोई मेरा हो या ना हो, गलती हमेशा मेरी ही होती है। नहीं मैं छड़ना अज नानू। ओ की होए भरा, ऐ वेख चेक कर बिजली दा बिल, मेनू सिर्फ 5000 भेजे है, लोकां नू 50-50 हज़ार बिजली दा बिल भेज रहे है। मैं पाकिस्तानी नहीं, अज नहीं छड़ना मैं। कहाँ है आप सुबह से? यार दोस्तों के साथ हूँ, क्या हुआ? अगर आज आप 9 बजे से पहले घर ना आए तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अच्छा फिर शाजिया को बता दो सुबह तुम्हारा पराठा ना बनाए। चौधरी आज किसी नु अपने दुख सुनावी है ना, तो दुख बोल जाते हैं क्योंकि अगू अपने एडे एडे सुना दें। अब मेनू कहिंदी पैसे कठे करके ते किसे बाहर दे मुलक टोर चलिए। फिर पैसे कठे किते, वो साले जो हालात रे पत्तों की दे कठे नहीं होए। लोग मेरे साथ ड्रामे करते हैं, हालांकि मैं खुद बहुत बड़ी फिल्म हूँ। पत्नी को वाइफ ही क्यों कहा गया? बहुत सोचा, फिर वाइफ का असली मतलब आज पता चला। विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी। दोस्तों असी सारे मुसलमान हाँ, ते सानू एक दूसरे की मदद करनी चाहिए है। ओ मेरा ना पैकेज मुक गया सी। नाजरीन तवज्जो फरमाएं, इधर नहीं अपनी हरकतों पर।